नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किस तरह किया है, इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर फीड स्क्रॉल करने पर दिख जाती है। हमने 17 अप्रैल 17 मई 2021 दौरान पीएम मोदी के ट्वीट्स की एनालिसिस की है। उन्होंने इस एक महीने में कुल 157 ट्वीट किए। 17 अप्रैल से 2 मई के बीच पश्चिम बंगाल में 4 चरण के चुनाव हुए। इन 15 दिनों में पीएम मोदी ने चुनाव से जुड़े 25 ट्वीट किए। इसमें चुनावी रैलियां और रिकॉर्ड वोटिंग की अपील शामिल है। 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद पीएम ट्विटर पर कम एक्टिव दिखाई दिए। शुरुआती 15 दिनों में उन्होंने कुल 95 ट्वीट किए, जबकि चुनाव के बाद 15 दिनों में 62 ट्वीट किए। कोरोना से जुड़े ट्वीट्स में भी कमी आई है। सभी ट्वीट्स को हमने 4 बातों पर एनालाइज किया। कोरोना से निपटने की तैयारियों से जुड़े ट्वीट्स, चुनाव से जुड़े ट्वीट्स, शोक संवेदनाओं से जुड़े ट्वीट्स और जन्मतिथि पुण्यतिथि से जुड़े ट्वीट्स। अब वो आपके हम सामने लाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें 17 अप्रैल को देश में कोरोना के 2.34 लाख नए मामले सामने आए थे। उस दिन पीएम मोदी ने कुल 15 ट्वीट किए हैं। इसमें कोरोना से जुड़ा सिर्फ एक ट्वीट है, जबकि चुनाव को लेकर 8 ट्वीट किए गए हैं। इन ट्वीट्स में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के 5वें चरण के चुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की। इसके अलावा आसनसोल और गंगारामपुर में चुनावी रैलियों का भी संबोधित किया गया। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को भी वोटिंग की अपील करते हुए ट्वीट किए। इसके बाद 2 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद सभी विजेताओं को बधाई दी और जनता का आभार प्रकट किया। 7 मई को कोरोना की दूसरी लहर का पीक माना जाता है। उस दिन 4.14 लाख नए मामले सामने आए थे। 7 मई को पीएम मोदी ने कुल 4 ट्वीट किए, लेकिन इसमें कोरोना से जुड़े सिर्फ एक ट्वीट था। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से कोरोना को लेकर चर्चा की थी। एक ट्वीट वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह की शोक संवेदना में था। 2 ट्वीट एन रंगासामी और एम के स्टालिन के शपथ ग्रहण पर थे। 17 अप्रैल को पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। 21 अप्रैल को उन्होंने रामनवमी की बधाई देते हुए लोगों से कोरोना काल में मर्यादाओं का पालन करने की भी अपील की। रामनवमी पर हरिद्वार में 80,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हालांकि पीएम मोदी की अपील का असर दिखा, वरना शाही स्नान के दिन गंगा स्नान करने वालों की संख्या लाखों में होती है। इससे पहले हमने मोदी सरकार के 10 दिग्गज मंत्रियों के 1110 ट्वीट्स का एनालिसिस किया था। ये ट्वीट उन्होंने 1 मई से 14 मई के दौरान किए थे। इन 14 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से जुड़ा सिर्फ एक तो राजनाथ सिंह ने 5 ट्वीट किए। किसी भी मंत्री ने कोरोना पीड़ित की व्यक्तिगत मदद से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने 2 दर्जन ट्वीट में पीएम मोदी को मेंशन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। We'll be right back.